हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है मिल्टन गेमिंग पर एक और बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे कि लीग ऑफ लेजेंड्स हम इंडिया में कैसे खेलें। और ये ट्रिक मैंने पहले भी यूज़ कर ली थी, बट मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि मुझे खुद को कंफर्म नहीं था कि काम करेगी नहीं करेगी, बट मेरे काम करके इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये हम बीटा टेस्ट अल्फ़ा टेस्ट वाले तो पहले भी खेल सकते हैं इसको, बट जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं लिया वो नहीं खेल सकते इसको। इसलिए मैं इसमें बताऊँगा आप कैसे खेल सकते हैं इंडिया में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कुछ लोग तो डायरेक्ट ही खेल पा रहे हैं, बट हम नहीं खेल पा रहे हैं। जो नहीं खेल पा रहे उनके लिए मैं बताता हूँ कैसे खेल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, रिसीव SMS और शटल VPN। इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना, ये प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएंगे और इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लेना रिसीव SMS और शटल VPN। दोनों ही अच्छे एप्लीकेशन है बट थोड़े बहुत एडवर्टाइज बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको रिसीव SMS खोलना और उसमें आपको फिलीपींस कंट्री चूज़ करनी जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। और इसको आप क्लिक करोगे फिलीपींस में तो आपको यहाँ पर फिलीपींस के नंबर मिल जाएंगे गाइस, तो जिससे आप क्या कर सकते हो जीमेल अकाउंट बना सकते हो। तो इन चार पांच नंबर से आपको क्या करना है, एक जीमेल अकाउंट बनाना है फिलीपींस कंट्री का, जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये नंबर कॉपी कर लेना और इस एप्लीकेशन को आपको बंद नहीं करना है गाइस, इसको आपको यहीं साइड में चालू रहने देना। और उसके बाद कोई भी ब्राउज़र खोल लेना, उसमें क्रिएट जीमेल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और देन वहाँ पर जो भी लिंक आएगी वहाँ पर मतलब आपको पता चल जाएगा क्रिएट जीमेल अकाउंट करेगा, तो उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करना और वहाँ पर आपको जो भी नाम अच्छा लगता है और पासवर्ड डाल देना और उसके बाद आगे क्लिक कर देना। उसके बाद आगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको दिख रहा है नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर इंडिया से चेंज करके आपको फिलीपींस कंट्री करनी है। इंडिया मत रहने देना गाइस, ये स्टेप मेन है, यहाँ पर ही आपको सब कुछ करना है जो भी करना है। फिलीपींस चॉइस करने के बाद वो जो नंबर आपने कॉपी किया था ना यहाँ पर पेस्ट कर दो, और वहाँ पर 63 पहले से था नंबर के आगे, तो उसको काट देना गाइस। और इसको फिर SMS आप एक बार चेक कर लेना को खुला है या बंद नहीं हो गया, उसको बस ऐसे खुला रहने देना। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो बर्थडे डेट है और जो भी मतलब आप रखना चाहते हो वो डाल देना, ज़्यादा इसमें कोई कुछ भी डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पर वो जीमेल आपको बोलेगा कि इस पर SMS भेजना है, तो इस पर नेक्स्ट कर देना और गाइस आपको उस ऐप को खोल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड मतलब जो होगा ना पासकोड आएगा, OTP आएगा जो भी, तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना आपको 2 मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा OTP सिंपली। उसके बाद इस OTP को आपको वहाँ पर डाल देना है और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और सीधा सीधा आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा गाइस। गाइस OTP डालने के बाद अकाउंट तो बन जाएगा, बट आपको उसको पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपका जीमेल में प्रॉब्लम आ जाती है, पहले भी मेरे आई थी एक बार। तो इसलिए यहाँ पर आप OTP डालते हो तो उसको पूरा कंप्लीट करना, पूरा मतलब जहाँ तक लास्ट एंडिंग तक बोलता है कि गेट यू इन द जीमेल अकाउंट, वहाँ तक इसको कंप्लीट कर देना गाइस। यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ गया। अब इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना गाइस, सीधा होम पेज वापस आ जाना और शटल VPN को खोल देना गाइस, सेफ्टी के लिए, अदरवाइज़ लीग ऑफ लेजेंड आपको बैन ना करे, बस इसके लिए VPN का यूज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको फिलीपींस कंट्री मिल जाएगी जो कि फ्री है इस VPN के अंदर, तो फिलीपींस को आपको सीधा कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर VPN आपका चालू हो जाएगा। बट इसमें थोड़े से ऐड आते हैं गाइस, तो उसका थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, क्या फ्री में भी तो मिल रहा है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको पता है कि जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल में कहाँ से एंटर करते हैं, गूगल में क्लिक करना और यहाँ पर लॉगिन का आएगा, उसको लॉगिन कर देना गाइस। बस इस जीमेल अकाउंट को ज़्यादा परमिशन में देना गाइस, सारी परमिशन इसकी बंद करके रखना, क्योंकि ये आपका सेफ अकाउंट नहीं, आपके नंबर से नहीं बना हुआ है। उसको बनने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर सीधे आ जाना और VPN चालू रहने देना गाइस, VPN बंद मत करना, और प्ले स्टोर पर स्विच कर देना जो अकाउंट आपने बनाया है इससे। तो यहाँ पर मेरा पुराना अकाउंट है, मैंने इसको लॉगिन नहीं किया क्योंकि अब मेरे को एक अकाउंट कर रखा जिसकी सब कुछ बंद कर रखा मैंने, फिर दूसरा अकाउंट मैं लॉगिन नहीं करना चाह रहा था। तो आप कर लेना, आपको तो बनाना ही, तो अगर किसी ऐसे मोबाइल में करना जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ पर जैसे मैं लीग ऑफ लेजेंड सर्च करा तो मेरा आ गया अर्ली एक्सेस लीग ऑफ वाला गाइस। आप इंडिया में देखोगे तो रजिस्टर करने का रहा, तो आपको अगर आपके यहाँ पर इंस्टॉल करने का आता तो आप सीधा इंस्टॉल कर लेना, रजिस्ट्रेशन करने का आता तो रजिस्ट्रेशन कर लेना गाइस। और शायद रजिस्टर करने के बाद आपको 2 घंटे या 3 घंटे या फिर 1 दिन के बाद अर्ली एक्सेस का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए। बट हाँ, अधिकतर को मिल रहा है, फिलीपींस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को बुला रहे, गेमर्स को बुला रहे, तो इस हिसाब से आपको मिल ही जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 या 2 दिन में तो मिल ही जाएगा। और अगर नहीं मिलता गाइस तो डाउनलोड लिंक मैंने पिछले वीडियो में दे ही रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और एक बार लॉगिन कर ट्राई कर लेना इस वाली जीमेल से, तो क्या होगा कि सीधा का सीधा गेम चल जाएगा, अभी तो किस्मत। तो गाइस गेम इंस्टॉल करने के बाद आपको उस गेम सीधे नहीं खोलना है, सबसे पहली बात तो ये, उसको खोलने के लिए आपको प्ले गेम्स में एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के कुछ नहीं करना, वो प्ले गेम्स इंस्टॉल करना, प्ले गेम्स में आपको प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना गाइस तो सीधी प्रोफाइल बन जाएगी, आपको प्रोफाइल बना कर दे देगा प्ले गेम्स, क्योंकि मैंने प्ले गेम्स के बिना लॉगिन करने की कोशिश करी तो मुझे बाहर फेंक
रख दिया रिवर्ड गेम्स ने, तो फिर उस पर मैंने प्रोफाइल बनाई, उसके बाद लॉगिन करा मैंने। तो लॉगिन करने के बाद सीधा ही मेरे को गूगल से लॉगिन करने का आया, जो मेरा प्ले गेम्स का अकाउंट था वो लॉगिन हो गया इसमें रिवर्ड्स गेम में, और उसके बाद सिंपली मैं खेल पाया। मैंने VPN चालू रखा, बस थोड़ी सी पिंग हाई आती है, बट गाइस आप खेल सकते हो और हीरो भी अच्छे खासे हैं और आप गेम को इन्जॉय भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तो बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आपसे कोई आगे निकल जाएगा पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट सारे रीसेट हो जाएंगे जब ये गेम ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर गूगल से लॉगिन करोगे तो यहाँ पर सारे हीरोज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक थी गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय, सी यू गाइज़।